बहू और घोड़ा झवेरचंद मेघाणी द्वारा लिखित यह कहानी। झवेरचंद मेघाणी गुजराती के एक प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। मेरे पति नाटक देखने गए हैं। अपने बच्चों के लिए रसोई में दूध तैयार करके ढक ढूंक कर नीचे से मैं ऊपर आई हूँ। यहाँ अभी केवल दो ही लोग हैं, मैं और दूसरा ये दिया। मैं अपना जीप काट लेती हूँ, भूल हो गई। अभी इस आधी रात को मेरे साथी के रूप में कोई पुरुष का नाम नहीं आना चाहिए। दिया को दीवो कहते हुए न जाने क्यों मेरा मन पिछले दिनों में भटक जाता है। न जाने क्यों दीप मेरे अंदर की बातों की साक्षी बन कोई भेदी पुरुष की तरह सजीव बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ इस एकांत में पुरुष की कल्पना करना भी ठीक नहीं है। हंस हंस कर प्रकाश फैलाने वाला, मेरी ओर एक टक ताकते रहने वाला, तेज के सरोवर में मेरे देह को तार बतर करने वाला और स्वयं मौन रहकर मेरे मन की बातों को समझ जाने वाले पुरुष की कल्पना करना तो सचमुच डरावना ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी इस मंजिल में एक मैं जग रही हूँ और दूजा यह बत्ती जल रहा है। मुझे मेरा बचपन याद आता है। इस घर के लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। नहा कर या सो कर उठने के बाद मेरे गले के सोने का हार चौकड़ी में या बिस्तर पर पड़ा ही रह जाता है, इसलिए सब मुझे जंगली गाय, बुद्धू, गंवार कहते हैं। इन सब के बावजूद मुझे मेरे बचपन की एक एक बातें याद हैं। उस समय मैं घर की दीवारों से मकड़ी के जाले, भोरे के बिल को उखाड़ कर फेंकती थी। इन सबको करते देख रतन माँ मुझसे कहती रहती, रहने दे पापन, ऐसा मत कर, नहीं तो तुझे अगले जन्म में प्रताप राय सेठ के घोड़े गाड़ी का घोड़ा नहीं तो उसके घर की बहू होकर जन्म लेना पड़ेगा। उन दिनों मैं ना समझती, मेरे मन में दिन रात ये ख्याल आते रहते थे कि क्यों बूढ़ी रतन माँ ने हमारे घर के सामने पड़ी रहने वाले घर द्वार बिना की बालूदी के अवतार के बदले या फिर हमारे घर के आंगन पर से लकड़ी से मार खाकर भागती हुई कुतिया टिपुड़ी के अवतार के बदले प्रताप राय सेठ का घोड़ा या उनके घर की बहुओं के जैसे सुख को मेरे पाप के बदले के रूप में बताया। तब तो मैं खूब पाप करूंगी, नास्ती कुत्ती मैं कह उठती। मारकर तो मुझे प्रताप राय सेठ का घोड़ा ही बनना है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। रतन बा, आप मुझे वो घोड़ा दिखाओगी ना? हमारा घर गांव के मुख्य रास्ते के किनारे पर ही था। हर रोज शाम को दरवाज़ा खोलकर मैं रतन माँ के साथ सीढ़ियों पर बैठती थी और उस घोड़े की राह देखती रहती थी। वो आया, सुन उसके घुंघरुओं की आवाज़ सुन रही है ना? रतन बा के कहते ही मैं अधीरता से हाँफती हुई खड़ी हो जाती। फिर तो अपनी विशिष्ट अदा के साथ जब चमचमाती गाड़ी को फूल जैसे खींचता हुआ घोड़ा अपनी टग बगाती चाल से निकलता, तब उसके कपाल पर की लटकती लट, एक दूसरे को छूते हुए कान के नोक, कमान के जैसी टेढ़ी गर्दन देखकर मेरा मन मयूर सा नाच उठता। मैं कह उठती, ओ हो रतन माँ, इस सुगत अवतार को पाने के लिए तो तुम जितना कहो उतना पाप करने को तैयार हूँ। रतन माँ मुझे समझाती, अरे मूर्ख, ये उछलना कूदना तो उसका कुछ दिन के लिए ही है, बेचारा मजा कर ले कुछ दिन तक, पर मुझे तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर तो मैं सुबह शाम उस घुंघरू की आवाज़ को सुनने के लिए बेचैन उठी रहती थी। आवाज़ सुनी नहीं कि दौड़कर दरवाजे पर पहुँच जाती। अगर माँ नहला रही होती तो भी उनका हाथ छुड़ाकर साबुन से जलती आँखों से भी मैं घोड़ा देखने दौड़ जाती थी। मैं सोचा करती थी, कितना भाग्यशाली घोड़ा है जिसके पीठ पर कितने सुंदर हंसमुख रोबदार लोग सवारी कर रहे हैं। चाइना सिल्क के कोट पतलून में सज मामलतदार साहब,
भरे बाजार में सैकड़ों लोगों का सलाम दोनों हाथों से बटोरते हैं और हाथ में बड़े बड़े हुक्का थामे, कमर पर रुपहली मूठ वाली तलवार वाले बड़े तालुकदार उनको सरकार सरकार कहते हुए उनके सामने बिछ बिछ जाते हैं। तब तो इन महापुरुषों को देखकर सेठ साहब का घोड़ा इतराता होगा। हर गाड़ी के समय पर स्टेशन जाकर कलेक्टर साहब से लेकर अव्वल दर्जे के कर्मचारी और माननीय पैसेंजरों को चाय नाश्ता पहुंचाने वाला ये घोड़ा दिन भर में जब भी निकलता तब मैं दरवाजे से बाहर निकलकर जरूर उसे देख लेती और जब रात के 12-11 बजे गाड़ी के लिए वह रबर टायर वाली गाड़ी खींचता हुआ अपनी चाल की प्रतिध्वनि गलियों में गुंजाता हुआ जोश के साथ निकलता तब मैं नींद में से जाग जाती। अगर नींद नहीं खुलती तब तो मेरे सपनों में वह घोड़ा जरूर आता। बाजार में भी अनेक बार सेठ साहब को बोलते हुए सुना है, हमारे घर अगर कोई अतिथि आया हुआ होता तो सेठ जी तुरंत पिताजी से कहते, ज़रूरत पड़ने पर मेहमानों के लिए घोड़ा गाड़ी मंगवा लेना, हमें गैर मत समझना, घोड़ा बंधा बंधाया पड़ा रहे तो किस काम का, ज़रूरत के वक्त भाइयों के काम नहीं आए तो इसकी क्या सार्थकता है। मैं सोचती, अरे वाह कितना लाडला और कितना सम्मानित घोड़ा है, खड़े खड़े ही मुँह की लगाम को चबा रहा है और वह भी चांदी का। मक्खी से बचने के लिए पूरे शरीर पर झालरदार जाली लगाया है। जिनके घर के घोड़े इतना भाग्यवान हैं उनके घर की बहुएं कितनी लाड़ से रहती होंगी, पायल झनकाती सुंदर वस्त्र आभूषणों से लदी रहती होंगी। उनको देखने का मनोकामना भी मेरी पूरी हो गई। एक दिन हमारे घर के नज़दीक वाला रास्ता इतना संग्रह है कि आमने सामने से आने वाले बैलगाड़ियां अगल बगल में से निकल ही नहीं सकती। उस दिन दोपहर के 12 बजे एक साथ 7 बैलगाड़ियों का जमघट उस रास्ते पर लग गया। गाड़ियों पर रुई के लट्ठे लड़े थे। नकाबधारी 7 गाड़ी वालों के चेहरे पर रास्ते के धूल की परत चढ़ गई थी। 7 जन बैल के पूंछ को मरोड़ मरोड़ कर बाजार के चढ़ाव को पार करने का प्रयास कर रहे थे। बैलों के कंधे छिलकर लहू लुहान हो गए थे। एक गाय दबाव में आ जाने के कारण दुकानदार उन 7 में से एक गाड़ी वाले को घसीटकर गाली देकर मारपीट करने लगा। दूसरे गांव वाले गाड़ा वाले को इन व्यापारियों के साथ कुछ देर तक मस्ती मजाक करते रहे, थोड़ी लाचारी जताते और कुछ देर तक आपस में अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उन लोगों को पता ही नहीं था कि गाय के दबाव में आने का असली जिम्मेदार कौन है। पर इस लड़ाई झगड़े गाली गलौच और अगर कोई खुश हो रहा था तो वे मैं थी। 8 साल की लड़की अपने चबूतरे में बैठी थी। वहीं पर फंसे 2 मुसलमान किसानों को बात करते हुए सुना कि अब तो हद हो गई। दुकान के चबूतरे को बढ़ाकर बाजार के रास्ते को संकरा बनाने वाले तो ये व्यापारी ही हैं और पीट रहे हैं पर गांव के गाड़ी वालों को, कोई देखने वाला ही नहीं है। इस तरह से जब ठेले, मुसाफरी गाड़ी, पनिहारिनों, सब्जी वालों आदि तमाम लोगों का और वाहनों का जमघट वहां हो गया तभी मैंने मेरी परिचित और प्रिय ध्वनि सुनी। मैं उठी और गर्दन लंबी करके बाजार की ओर नज़र दौड़ाई। आ हा हा, सेठ की गाड़ी, नया घोड़ा, सफ़ेद झग घोड़ा और अंदर 4 औरतें और 5 लड़के बैठे हुए थे। आज इतने वर्षों के बाद भी मैं उन दिनों की बातों को भूली नहीं। अंदर तो चारों घूंघट किए हुए बैठे थे इसलिए पारदर्शी साड़ियों के आर पार में से केवल उनके चेहरे की हल्की झलक ही देख पाई थी, पर कोहनी तक के खुले 8 हाथों पर ही तो मेरी नज़र थी। जिस तरह कोई भिखारी का लड़का दिवाली के त्यौहार में हमारे पूनम चंद हलवाई की दुकान की हर एक मिठाई के थक्के की ओर ताकता रहता है, उसी लगन के साथ मैं भी उनको ताक रही थी। उनकी उंगलियों में
अंगूठियों से लेकर कोहनी के ऊपर तक के बाजूबंद तक न जाने क्या क्या देखा। उन सब का मैं कैसे वर्णन करूं? अब तो मेरी नज़रों में खोट आ गया है। इसलिए उस समय के मेरे आँखों की आतुरता का आज मैं सही न्याय नहीं कर सकती। और उन पांच लड़कों के अंगों पर न जाने कितने रंगों के कपड़े शोभा दे रहे थे। सेठ के घर की बहुएं आज अपने समधियों के घर भोजन करने जा रही थी। इन बेचारों के साथ कैसा किया इन बैलगाड़ी वालों ने। लोग इस तरह की अनेक बातें करने लगे थे। इतने में कोचमैन ने रास्ता रोकने वाले गाड़ी वालों को दो चार गालियां देकर गाड़ी को पीछे ले लिया। एक गली में से गाड़ी को घुमाकर गांव के बाहर से जाने वाले रास्ते से सेठ की बहुओं को समधी के घर पहुंचा दिया। ये लोग जहां भोजन करने आए थे वह जगह हमारे घर के नज़दीक ही था। माँ को पता न चले इस तरह उनसे छिपकर मैं घर पहुंच गई। मुझे सुंदर रेशमी वस्त्रों से ढके चेहरों को देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर उस बड़े से घर में न जाने कौन कौन से हिस्से में वो भाग्यवंतियाँ घुस गई थी। वहाँ कौन मेरे लिए फुर्सत से वहाँ बैठा था जो मुझे यह बताता। खाने खिलाने की धमा चोकड़ी मची हुई थी। चिल्ला कर रुंधे गले से वे इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे और काम कर रहे थे कि कहीं इनमें झगड़ा शुरू ना हो जाए। इस डर से मैं वहाँ से भाग गई। माँ को जब पता चला कि मैं उनके घर उनके भोजन वाले दिन गई थी तो उन्होंने मेरे गाल को जोर से मरोड़ दिया। उनके गाल मरोड़ने के बाद भी उस दिन से मैं हर रोज़ मंदिर में आरती के समय जाकर अकेले ही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे उस सेठ के घर की बहू बना दो, नहीं तो मैं उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर भोजन करने कैसे जाऊँगी। मुझे ऐसे फिर कहाँ मिलेगा। बस तब से जब तक मैं 12-13 वर्ष की हुई तब तक के उन 5 वर्ष के दरमियान मैंने 7-8 बार सेठ के घर की बहुओं को घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकलते देखा होगा। 2-3 बार भोजन के लिए और 4-1 बार हमारी जाति के कोई वरिष्ठ गुरुदेव के आगमन पर के स्वागत के लिए। पर इस बात को मैं ठीक से नहीं कह सकती कि वे चारों वही थी कि वही नहीं, या उनमें से किसी की अदला बदली हुई थी। पर इतना तो मुझे याद रह गया कि कोहनी तक को बाहर झांकती वो 8 हाथों की कलाइयाँ बारंबार बढ़ती घटती मोटी पतली लालिमा भरी तथा बीमार या बीमारियों से निस्तेज होती भिन्न भिन्न लगती। फेर बदल का यह तरीका मुझे उन दिनों समझ में नहीं आता था, पर जब मैं बड़ी हुई मेरे अंतस में इन बातों की कड़ियां जुड़ने लगी। कभी तो रात के 2 बजे तो कभी तो भोर की बेला में हमारे पड़ोसी अपने कपड़े लत्ते एक पोटली में बांधकर आती और समाचार देती कि सेठ का मझला छोटा या बड़े लड़के की राजकोट वाली वढ़वान वाली हड़मतिया वाली या खिजड़िया वाली बहू का अंतिम समय आ गया है। मेरे माँ भी एक छोटी सी पोटली में साड़ी कपड़ा और पेटीकोट लपेटकर सबके साथ निकल पड़ती। एक बार तो जाते जाते माँ को कहते हुए सुना था, क्या बताऊँ बहन, हमारा भाग्य इतना खराब है ना कि ये मेरी तारा अभी तो 3 साल की ही छोटी है। लड़की अगर 13 वर्ष की होती है तो आज ही मैं इसके सुख के बारे में सोचती हूँ, पर ये तो 10 वर्ष की है और फिर शरीर से दुबली पतली है। 10 वर्ष की लड़की को 15 वर्ष की कैसे कह सकते हैं। उस समय तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। अब सब कुछ स्पष्ट है कि सेठ के घोड़े के रंग में इतना बदलाव कैसे, और इन घोड़े गाड़ी में बैठकर भोजन करने जाने वाले 8-8 हाथों की कलाइयों को इतना रूपांतर। इसका अर्थ यह था कि घोड़े और बहुओं की अक्सर मौत हो जाती और उसके बदले नए घोड़े और नई बहुएं फटाफट आ जाती थी। 11, 12 और 13 वर्ष की होने को आई तो मेरे माता पिता को चिंता सताने लगी।
उस दिन हमारे घर के नज़दीक के संकरी बाजार में जो बैलगाड़ियों का झमघट हुआ था, वैसा ही आकुलाहट भरा वातावरण मेरे माता पिता के छोटे से संसार में छा गया। न जाने क्या हुआ कि अचानक मेरा शरीर निखरने लगा, कितने गुप्त झरने रोम रोम से फूटने लगे। मेरे माँ पिताजी से कहने लगी, जिस दिन इसे सही में निरख कर सामने आना था, उस दिन तक वो अकाल के भुक्कड़ जैसी दिखती रही और आज इस करम जली में निखार आया है। अब इसको कैसे पार लगाएंगे और कहाँ पार लगाएंगे? बापू कहते, हम क्या कर सकते हैं, सेठ के घर में हमारी बेटी के लिए कोई बीमार थोड़े ही पड़ सकता है। सुनकर तो माँ दुगने गुस्से से भर जाती, मुझ पर व्यंग करने का आपको सही मौका मिला है, शर्म तो आती नहीं, उल्टे गरज रहे हो। मैंने कब ऐसा कहा कि सेठ की बहुओं को मौत आ जाए? तुम कह तो नहीं रही हो, पर अंदर ही अंदर हम दोनों इस बात के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं ना। होता होगा, ये तो आप ही जाने, माँ नाराज होकर कहती। पापा बोलते, पर इसमें हम गलत कहाँ हैं? विवाह के लायक लड़की के लिए तो सभी माँ बाप यही कर रहे हैं। आबरूदार घर की लड़की अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में तकलीफ भोग रही हो तो क्या तभी से सब तैयारी में नहीं जुट जाते क्या? तो फिर हम कहाँ ब्राह्मण से उसके मरण का जाप करवा रहे हैं कि यदि सेठ के बहु बीमार पड़ने का योग है तो जरा जल्दी जल्दी क्यों ना आ जाए। मेरी किस्मत, अब जरा मेहरबानी करके राजकोट अमरेली का चक्कर तो लगाओ। पर चक्कर मैं किसके घर लगाऊं? बोर्डिंग में जाकर तो देखो 500 लड़के वहां पढ़ रहे हैं, पर हमने तो बेटी को तीसरी के बाद से ही स्कूल छुड़वा दिया है और ढूंढना है बोर्डिंग रहकर पढ़ने वाला लड़का, तब फिर किससे ब्याह रचाएंगे? स्टेशन में अखबार बेचता है बड़ी चाची का बेटा रसिकलाल, उसमें क्या खराबी है? माँ की आंखों में पानी आ गया, उसका गला रुंध गया, वो फफा फफक कर रोने लगी। फिर तो पापा माँ को पटाने लग गए, पगली मैं तो मजाक कर रहा था, क्या लगा तुम्हें हमारी तारा जैसी बेटी को मैं अखबार बेचने वाले के हाथों में सौंप दूंगा? कदापि नहीं। ऐसा कहकर पापा प्याले में पानी लाकर माँ का मुंह धुलवाने लगे। माँ रोती रोती हंसने लगी, मैं 13 वर्ष की तारा चोरी चोरी कमरे के दरवाजे से दरार से सब देख रही थी। स्टेशन के अखबार वाले का नाम सुनकर तो मैं भी घबरा गई, कभी कभार तो वो हमारे घर भी अखबार बेचने आता है। मेरे पिता तो पैसा खर्च करके अखबार खरीदने के पक्ष में ही नहीं हैं। इसके बावजूद रसिकलाल की वाकपटुता में फंस कर 2 पैसे का अखबार खरीद ही लेते हैं। शाम होने तक तो 4 अखबार 20 जनों को पढ़वा कर रसिक 10 आना कमा लेता था। हर रोज 20 जगहों पर भटकने के लिए बने उस लंबे लंबे डग भरते पांव की पिंडलियों को मैं ताकती ही रहती थी। न जाने क्यों मेरी नज़र उसके शरीर के अन्य अंगों पर न जाकर केवल पांव के पेशीदार पिंडलियों पर ही चिपकती रहती। ऐसा लगता जैसे नज़रों में रसिक की पिंडलियों को अपनी उंगलियों में दबाती हूँ। अरे बाप रे, मुझे ऐसा लगता कि सूर्य देव ने जैसे कर्ण को वरदान में वज्र का देह दिया था, उसी प्रकार रसिक को श्रम देवता के लोहे के पांवों का वरदान दिया है। हाय रे, ऐसे दाग वाले पांव वाले अखबार वाले के साथ मेरे विवाह की बात, मैं थरथरा उठी। 13 वर्ष की तारा को अब देहरी के बाहर निकलने की मनाही हो गई। किसी भी घर आने जाने के नज़र के सामने पर पाबंदी लग गई। उन दिनों मेरे संसार में एकमात्र पुरुष था ये अखबार वाला रसिकलाल और दूसरे थे मेरे पापा जी। मैं अपनी कल्पना के जाल सेठ के सुंदर घोड़ा को घेर कर बुद्धि रही, जिसमें कि मैं 4 बहुओं में से एक बनकर बैठी हूँ। मेरा संकल्प उस गाड़ी में चढ़कर उन 4ों में से एक आधे को धक्का मारकर खसेड़ रहा था। सबसे छोटे बेटे
दूसरी बार की धरागंदा वाली बहू को जैसे मैं आंखें दिखाकर कह रही थी, चलो अब उठो तो सही, 3 वर्ष तो हो गए तुम्हें आए हुए, सर्दी ने तुम्हें जकड़ रखा है, रात को हल्का हल्का बुखार भी चढ़ता है, तो फिर अब सीधे तरीके से उठो, उठकर मेरे लिए जगह बना दो, मुझे उस दागदार पैर वाले रसिक से शादी नहीं करना है। कभी कभी तो जब ये रसिक अपनी बूढ़ी अंधी विधवा माँ को लेकर दवाखाने जाता था, तब मैं, जब मैं 10 वर्ष की थी तब की बात है, दरवाज़ा बंद करके अंदर घुस जाती थी और मेरी माँ, मैं इतना डर जाती, मुझे उसके घर रोटी बनाने नहीं जाना है। 2 वर्ष और बीत गए, मैं 15 वर्ष की हो गई थी और घर के 4 दीवारों में बंदी बनकर रहने लगी थी। उन्हीं दिनों मेरे माँ की और शायद मेरे बापा की भी संयुक्त प्रार्थना के प्रताप से सेठ के घर में 8 कोट वाली बहू के अंतिम समय का समाचार आया। 6 महीने तक रोज रोज 15-15 दिनों तक लोग बीमार की खबर पूछने आने लगे। लगातार रेलगाड़ी के समय अनुसार घोड़े गाड़ी के घुंघरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आधी रात को या भोर की बेला के थरथराती ठंड में जब मैं कमरे में बिस्तर में सो रही होती, तब मेरे कान मेरे प्रिय घोड़े की चाल पर लगे रहते, खट खट खट, जैसे कोई भूत गलिया में चहल कदमी कर रहा हो, जैसे 8 कोट वाली बहू का काल उसके अंतिम समय के लिए टहल रहा हो। घोड़े के शरीर पर चाबुक की मार पड़ती और उसकी सनसनाहट मेरे कंबल को भेद कर मुझे सुनाई देती। बीमार के लिए मुंबई फ्रूट की टोकरियां आती, उसे लाने के लिए भी गाड़ी ही जाती। वैद्य डॉक्टरों को लेने छोड़ने के लिए, परी तालाब के सैर कराने, शहर घूमने घुमाने के लिए गाड़ी ही गाड़ी खड़ी रहती। ये 6 महीने तो सेठ के घर में मधुमास के उत्सव जैसा माहौल रहा। एक दिन जब जद्दोजहद से 8 कोट वाली बहू मुक्त हो गई, मैं अपनी ऊपरी मंजिल की दरार से सेठ के दूसरे नंबर के बेटे को अपनी पत्नी की मौत के 5वें दिन पान चबाकर जाते हुए देखा। उसी क्षण मुझे पीछे से क्या पता किसने धक्का मार दिया और खिड़की का आधा पल्ला खुल गया। पल्ले खुलने से उस आवाज़ से सेठ के बेटे की नज़र उठाकर ऊपर देखा और नज़रों से मुझे पूरी को निगल गया। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो धीरू बुआ खड़ी थी। मेरा चेहरा लाल हो गया। बुआ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए तो तुम्हें ऊपर लाई थी, पर क्यों भला बदमाश, अब भी पूछ रही है क्या? कहते हुए बुआ ने मेरे गाल पर चपत लगाई। 4 साल से ताप कर रही है? मैं समझ गई, ये तो वर कन्या को परस्पर मिलाकर संबंध जोड़ने का संकेत था। पर इसमें तो मुद्दे वाली बात यह थी कि वर कन्या को देख ले बस, मेरे लिए तो देखने वाली कोई बात ही नहीं थी। इस बाबत मेरे कोई उत्कंठा नहीं थी। मेरा सपना तो बस यही था कि घुंघरूदार घोड़े गाड़ी में बैठने वाली 4 बहुओं के बीच रेशम की साड़ी पहनकर घूंघट काढ़े कोनी तक सोने के गहने पहनकर बैठना, मेरे सपने को सच में पूरा होने का वक्त आ गया था। एक दिन मेरे सर पर सेठ परिवार की चुंदड़ी डाल दी गई। इस शहर में तो हम बापू के धंधे की वजह से ही आए हैं, हमारा वतन तो राजकोट है। बापू की इच्छा तो मेरा विवाह यहीं पर करने की थी, पर सेठ के घर वालों ने जिद की कि इसमें हमारी तोहीन होगी, राजकोट शहर क्या कहेगा, कहेगा कि रेल भाड़े के डर से अथवा राजकोट के महाजनों का कर चुकाना पड़ेगा। इसी डर के लालच में पढ़कर वहीं के वहीं निपटा दिया। ऐसी 2-3 घरों में बैठी हुई औरत जैसे नहीं करना है हमें, हम अपनी शान के साथ बारात लेकर आएंगे। अगर इससे आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो आप खुशी से हमारी ओर से 500 रुपया खर्च कर लीजिएगा। इन सब बातों को सुनकर बापू का सर फटने लगा, पर माँ के दिए गए ताने से डर कर मौन हो गए।
थोड़े में कहना हो तो हम राजकोट आ गए। वहाँ बड़े धूमधाम के साथ बारात का आगमन हुआ। शहर के चारों बैंड बुलाए गए। बारातियों के लिए मूला शाक, घी के मोन वाली रोटी, गड़ा भात, तंडलिया की भाजी, काले मिर्च का भुक्का, सूठ दूध वाली चाय, विशिष्ट स्वाद वाले व्यंजन बनाए गए। सभी के शोक और तबीयत का ख्याल रखने मैं मेरी माँ 3 दिन तक अकेले ही सब संभालती रही, पर एक दिन तुरई की सब्जी ने सब किरे किराए पर पानी फेर दिया। वह न मिली तो न मिली, जामनगर तक भी नहीं मिली, और इस बात ने पूरे कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया। यह मेरे पिताजी की कंजूसाई और बेपरवाही मानी गई और जी खोल कर इसका तिरस्कार हुआ। आपसे तो कह रहा था ना कि खर्चा न उठा सको तो हमसे ले लेना, मेरे जेठ चिढ़कर बोले। फिर भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी जात पर चढ़कर बोला, सेठ जो 6 बेला हमारा सत्कार न कर सके उसकी बेटी हमारे घर आकर क्या सुख देगी। जुबान संभाल कर बात करो सेठ, मेरे पिताजी का मिजाज छिटक गया। आपकी साहूकारी आपके घर में रखिए। अरे 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 करते हुए कुटुंबजन संबंधी गांव के लोग और खासकर जिनकी बेटियों के बदले में इस सौभाग्य का भागीदार बनी थी, वो सबने आकर मेरे पिताजी की जुबान पर हाथ रख दिया। बेटी के बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी के बाप को तो पाँव में पड़कर गिड़गिड़ाना चाहिए। जिस बेटी का बाप अड़चन डालता है तो उसका फल तो उसके संतानों को भोगना ही पड़ता है ना। ऐसा है तो फिर मैं अभी तुरंत बेटी के गले में वरमाला को निकाल कर फेंकता हूँ, मुझे इसका कोई रंज नहीं। अरे ऐसा नहीं कहते सेठ, मेरे पिताजी को सब समझाने लगे। विवाहित कन्या तो सड़े हुए अनाज के जैसी है भाई, पगड़ी उतार कर समधी से माफ़ी मांगो, मुझे पगड़ी नहीं उतारनी है। फिर तो उसकी ओर से हम सब उतारते हैं सेठ, गांव के लोग, खासकर वो लोग जिनके पिता के बेटियों का भाग्य मैंने छीना। अपनी अपनी पगड़ी उतार कर सेठ जी के पांव पड़ गए। बोले, ये तो छोटा है हम पर हम बड़े बूढ़े हैं, राजकोट की लाज हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। ये सब देखकर पिताजी आपे से बाहर हो रहे थे। सेठ जी ने उदार बनकर जवाब दिया, मेरे मन में तो इस बात का कोई मैल नहीं है, पर हमने कुल का ध्यान नहीं रखा, हमारी बराबरी का ख्याल नहीं रखा, बस केवल कन्या की तारीफ सुनकर ही हम बहक गए, इसलिए हमें शुरू से ही ये सब झेलना पड़ रहा है। हमें इस बात का कोई गम नहीं, अगर हम अपना मन खुला ना रखें तो व्यवहार कैसे रखेंगे। हमारे पिछले जन्म के कर्म पर इस बात का कोई गम नहीं, इंसान अपने बराबर के लोगों में खानदान देखकर बात चलाते हैं तो वो अकारण नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, ये तो सोने की थाली में लोहे की कील जैसी बात हुई। ठीक है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन के बाद मैं और माँ ने भीतर के कमरे में बैठकर इस झगड़े को सुना। मेरी माँ रोती रही, मैं रोने रोने को हो गई, पर मुझे तो जैसे तैसे ये दिन 3 दिन निकालने थे। फिर ससुराल जाने की जल्दी पड़ी थी, जिससे कि बापू का अपमानित होना उस समय इतना चुभा नहीं। फिर तो मेरी माँ बाहर निकल आई और समधी के सामने आंचल फैला दिया, फिर मुंह में चपटी धूल लेकर माफ़ी मांगी। शाम को लगभग 20 प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनाकर कब्ज से पीड़ित, बीमार, हरस मसे रोगी, गर्मी से लाचार लोगों की सार संभार की। देर रात को डॉक्टर की ज़रूरत महसूस हुई। माँ ने हमारे संबंधी लल्लू भाई डॉक्टर को गाड़ी बुलाया, पर मेरे सेठ जी लल्लू भाई डॉक्टर को खादी के कपड़े में देखकर चिढ़ गए। बीमार को देखकर लल्लू भाई डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, आप नाहक ही घबरा गए, पेट में गैस बन गया है। उनकी बातों को सुनकर बाराती और नाराज हो गए। ये आपके बस की बात नहीं है, कहकर लल्लू भाई को उन्होंने वापस लौटा दिया। इतने में सेठ जी चिल्लाए, क्या राजकोट में कोई गोरा डॉक्टर नहीं है। मेरी माँ ने तब 15 रुपये फीस देकर मेजर फैन फैनी को बुलवाया।
उन्होंने रोगी की जांच की, आधे घंटे तक उल्टी लिटाई, कभी सीधी, कभी दाहिनी और तो कभी बाईं, फिर पेट, आँख, कान, नाखून, गला, शरीर के सभी अंगों की जांच की। फिर गंभीर मुद्रा में जानकारी दी कि पूरी रात यहाँ पर एक नर्स को रखना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं रखा गया तो केस आंतड़ियों के सहन सड़न के रूप में ले लेगा। दोस्तों, इसमें खुराक का ही है ना साहब, जेठ जी ने पूछा। बेशक, खुराक और पानी। फिर जब मेजर फिनफैनी की मोटर लौट आई तब फिर उल्लासित हो उठे। पूरी शाक एक खींचती नर्स को वहां रखा गया, बेशक हमारे खर्चे पर। इस पूरे समय के दरमियान मेरे बापू एक कमरे में सोए रहे। अंततः मैं ससुराल पहुंची। रास्ते भर मेरे बापू की नालायकी पर बातें होती रही। ठट्टा मस्करी, रोष और धिक्कार ही मुख्य विषय था। मेरा चेहरा घूंघट में होने के कारण वे लोग जोर जोर से मेरे अभिमान पर चोट कर रहे थे। और सब तो ठीक है, पर हम जिनको दुखी करके पराए घर में ले आते हैं उनकी क्या दशा होती है? उनके दर्द आँखों का दर्द बन जाए तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है ना। ये मुझे दिलासा देने वाली बात थी। इन लोगों को, दूसरों को रक्षा करने की कितनी चिंता है। मैं भी स्नेहशील परिवार में जा रही हूँ। विवाह की पहली रात, उन दिनों की बातों को मैं अपने प्रिय सहेली से एक शब्द भी नहीं कह सकती, पर आज ऐसा लग रहा है कि इस पर एक पूरी पुस्तक लिख लूं। पर नहीं नहीं, उस रात के तीन प्रहरों को तो शब्दों में उकेरने जैसा नहीं है। मेरा पूरा शरीर पानी में शक्कर की तरह पिघलकर एकाकार हो जाएगा, जैसे रुई का फाहा बनकर हवा में के बहाव में उड़ जाऊंगी। अगरबत्ती की तरह मेरा अंग अंग जलकर सुगंधीदार धुएं का लच्छा बनकर घूमता हुआ आकाश पर चढ़ रहा था। मेरा हृदय धूपदानी बन रहा था। मैंने एक कहीं पढ़ा हो, न सुना हो, न सपने में कभी अनुभव किया हो, ऐसा गुंजन मेरे शरीर के पोर पोर से हो रहा था। माँ को मैंने कपूर के टुकड़े को लेकर अंगार पर रखते हुए देखा था, यह मुझे याद है। मैं जैसे कपूर की जलती हुई पुतली बन गई थी। मेरे जैसी अनपढ़, अज्ञानी, ना समझ, जो कल तक कच्चे खेलने वाली थी को ये कौन चुपके चुपके छुप छुप कर जीवन की अजब कहानी कह रहा है? मेरी जैसी करोड़ों कन्याओं को क्या ये एक ही अदृश्य मित्र सदा से यही रहस्य सिखाता आ रहा है? देर रात को सेठ का बेटा आया। उसके चेहरे पर नज़र डालते ही न जाने क्यों मैं स्तब्ध सी रह गई। उसे मैं पसंद आऊँगी या नहीं, सोचते ही उसने मुझ पर कब्जा कर लिया। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध के बगैर भी वह नशे में है ऐसा लगा। उसकी आंखें रुआब की ज्वाला से जल रही थी। कबूतर को अपने जबड़े में भींचती किसी बिल्ली की तरह उसने अपनी बेहोश इच्छाओं को मुझ पर उंडेल दिया। कपूर की पुड़िया को जैसे किसी ने भरकर भट्टी में झोंक दिया। जरा भी सुगंध फैलाए बगैर मेरा यौवन भस्म हो गया। मैं कुछ भी नहीं कह सकी। वह कुछ सुनने कहने जैसा नहीं रहा था। सुबह जब मैं नीचे उतर रही थी तब उन्होंने कहा, बड़े भैया, तेरे बापू से बहुत नाराज है, संभल कर रहना, अपने को घर के लायक बनाने की कोशिश करना, नहीं तो तेरा यहाँ टिकना मुश्किल है। तेरे जैसी तो इस घर को बुहारने में निकाल फेंके जाते हैं, ध्यान रहे। कोशिश करने के बावजूद आज मैंने पहली बार तीनों देवरानी जेठानी का चेहरा देखा। देखा तो देखती ही रही। ओह, कितनी गोरी, पर लाली की एक हल्की सी झलक भी नहीं। सोने की चूड़ियां हाथों पर ऊपर नीचे खनकती हुई सरक रही थी। पांव के छड़े मुंबई से गढ़कर आए हुए थे, जैसे पांव पर अभी अभी सरक पड़ेंगी।
बाजूबंद न जाने क्यों इतने बड़े हैं, उसे धागे से बांधकर दबा लिया गया है। कनपट्टी पर लटों की शोभा क्यों नहीं है। इन सुंदर चेहरों पर तो मुस्कान खिलते रहनी चाहिए, पर तीसरे दिन से ही मेरे लिए इनके चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। मैं कमरे से जरा देर से निकली क्योंकि मेरा पूरा शरीर मरोड़ रहा था और सर भी चकरा रहा था, बस यही कारण था। पर न जाने क्यों कोई पूछता ही नहीं कि तुझे क्या तकलीफ है तारा। मैं आलसी भी नहीं, कामकाज से जी भी नहीं चुराती हूँ, पर मेरे शरीर के जोड़ न जाने क्यों टूट रहे थे। रात को इनके भी शरीर के सांधे टूट रहे थे। उन्होंने मुझे चंपी कराई, ऐसे में रत जगा हो गया। ये बात मैं अपनी देवरानी जेठानी को कैसे समझाऊं कि इसलिए उठने में देर हो गई। सब लोग नाराज होने लगे कि हमने सोचा था कि तुमने आने में से हमें रसोई में कामकाज में थोड़ी राहत मिलेगी, पर तुम तो तुम्हारे बाप के घर से कुछ खा पी कर आई ही नहीं, हमारी किस्मत ही ऐसी ही मिली। मेरी देवरानी बोली, मेरे चिका को पीने के लिए जरा भी दूध नहीं मिलता क्योंकि मैं दिन रात खटती रहती हूँ। क्या मुझे अकेली को ही बाप की आबरू को बचाना है जो मैं अकेली ही जुटी रहूँ। छोटी भाभी भी मेरे हाथ से पानी की देगची को छीन कर बोली, लाओ जी तुमसे नहीं उठेगा, आपको इतना भी पता नहीं है कि मेहमानों को मुंह धोने के लिए पहले पानी देना है फिर झटपट चाय बनाना है। बाप के घर तो मेहमान आने पर बेचैन हो जाती होंगी। ऊपरी मंजिल से पुरुषों के पुकारने की आवाज़ लगातार आ रही थी, गर्म पानी अब तक क्यों नहीं आया, सब के सब कहाँ मर गए, खाते वक्त तो थाली भर भर के खाते हो और काम के वक्त चाय कब तक मिलेगी, मेहमानों को गाड़ी पकड़नी है, अरे ओ भगा दौड़ जल्दी, चिट्ठी लाने को गया है कि नहीं, ये बत्ती अब क्यों जल रही है, ये लड़का अब तक गंदगी में लिथड़ा क्यों पड़ा है, इसे साफ तो करो कोई, दोपहर की गाड़ी से चतुर्भुज होमाशा वाला आ रहे हैं, उनकी रोटी के लिए आटा बचा कर रखना, कल दही चटनी में धनिया की पत्ती क्यों नहीं डाली, किसी का ध्यान रहता है कि नहीं इस ओर, सब के सब साले अंधे। पुरुष की जुबान से ऐसे और अनेक बातें लगातार सुनने में आ रही थी। तुरंत मुझे भाभी ने याद दिला दिया कि तारा दही चटनी तो कल तुमने बनाया था ना, इतना भी ध्यान नहीं रखा, धनिया पत्ती जैसी चीज़ आप चटनी में डालना भूल गई, पुरुष के स्वभाव के बारे में तुम नहीं जानती क्या, या बाप के घर में कभी दही चटनी, आपके पाँव पड़ती हूँ भाभी जी, मैं बोल उठी, आप मुझे जो चाहें कह लें, पर मेरे बापू को क्यों हर समय हर वक्त में बीच में लाती हैं, उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, जैसे और सभी के बापू हैं वैसे मेरे ही भी बापू हैं। मेरी आंखें लाल हो गई और फिर आंसू भर आए, मेरी नज़रों के सामने मेरे बापू का चेहरा उभर आया और मैं उठकर रसोई घर से बाहर निकल आई। मेरे आंसुओं को छुपाने देवरानी जेठानी को लगा कि मैं नाराज़ हो गई हूँ, पीछे से उन्होंने क्या कहा मैंने सुना नहीं, मैं बरामदे के खंभे की आड़ में खड़ी थी, गाड़ी में जोता हुआ घोड़ा भी खड़ा था, वह मूक पशु बड़ी देगची पर पड़ी रात के चिपके दानों की ओर अपनी गर्दन बढ़ा रहा था, कुंडे में पानी पड़ा था उसे पीने के लिए हिन हिना रहा था, रात को बहुत सर्दी पड़ी थी इसलिए रईस उसे धार देने के लिए उठ ना सका, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे लगा एक गट्ठी लाकर उसके मुंह के पास रख दूं, इतने में मेहमानों का दल धड़ाधड़ ऊपर से नीचे उतरने लगा और घोड़े को गर्दन लंबाते हुए देख बोले, ये सातवां वाला घोड़ा एकदम निकम्मा है निकला, इसकी माँ तो असली चोटीला की मस्त थी पर बाप शायद मरियल था। घोड़े की बाप की निंदा सुनने के बाद मुझे सुख का अनुभव हुआ, सुख इस बात का कि इस घर में मेरा एक और सगा भाई है।
अब मुझे मेरे बचपन की बात याद आने लगी कि हर रोज़ बरामदे में बैठकर मैं जिसकी नसीबदारी की तारीफ़ करती थी, वो घोड़ा ये घोड़ा नहीं है। हर दो एक साल में बदल दे जाने वाले घोड़े, एक के मरने के बाद एक दूसरा आ जाता है। चोरी छुपे न जाने कितनी बार मैं घोड़ों को चना खिलाकर आती थी, चौकीदार के न होने पर पानी भी पिला आती थी, एक साथ 5 गट्टे घास के भी रखाती थी। एक बार मेरे छोटे देवर नाराज होने लगे कि इस तरह से घोड़ों को खड़ देकर कौन खड़ का नुकसान कर रहा है। मैं कांप रही थी, पर गुस्सा रईस पर उतारा गया और घोड़े के साथ मेरे भाई वाला संबंध गुप्त ही रहा। इस तरह से 12 महीने गुजर गए। एक बार रात की गाड़ी से 5 मेहमान आए थे, जामनगर से बेटी की सगाई के लिए एक दूजवर दूल्हे को देखने आए थे। घोड़ा स्टेशन जाकर उनको ले आया। शाम को हमारे घर में मामलतदार साहब के बेटे की शादी की खुशी में गांव के अधिकारियों का चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया। उन सब से निपटते ही अपने थके हुए शरीर के साथ नए मेहमानों के लिए आटा गूंथकर चूल्हे में कंडे डालकर मेहमानों के उतरकर भोजन रखने की राह देख रही थी। पर आते ही मेहमानों ने चाय पी ली थी, इसलिए भोजन करने के लिए उतरने में थोड़ी देर हो रही थी। बड़ी जेठानी पीहर गई थी, छोटी भाभी चिका को लेकर व्यस्त थी। उसे सर्दी खांसी हो गई थी और लगातार रो रहा था, इसलिए उसे लेकर दूध पिलाने कमरे में बैठी थी। देवरानी की एक चूड़ी खो गई थी, इसलिए बत्ती जलाकर ढूंढ रही थी और नौकरों से पूछपरछ भी कर रही थी। चूल्हे के पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और अचानक कनपट्टी पर ताप लगते ही मैं जग गई। देखा तो चूल्हे की आग से मेरे एक और तरफ की लट जल गई थी। अच्छा ये हुआ कि लट जलकर गिर गई, पर अगर मैं जल गई होती तो क्या होता। इसी डर से रोटियां अच्छी बनी नहीं बिगड़ गई। मेरे पति को ऐसा लगा कि मेहमानों को भोजन में मज़ा नहीं आया। मेरे लट जलने की बात को सुनकर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर संबंधियों की पत्नियों इस बात को सुनकर हंसने लगी। वाह रे बहू, तुम गजब की निकली, तुम्हें तो जरा भी होश नहीं रहता। अच्छा हुआ बात इतने में निपट गई। घर बड़ा पुण्यवान है, अगर और ज़्यादा हो जाता तो दुनिया वाले तो ऐसे ही बात बनाते ना कि पसंद नहीं थी इसलिए जला दिया। फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अच्छा हुआ मैं बच गई, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। गांव के फौजदार मेरे पति को कुछ उल्टा सीधा होने पर, लोग उल्टा सीधा होने पर अपनी दुश्मनी निकालते हैं, पुलिस इनको बहुत हैरान करती। जैसे जैसे लोग घर में आते गए, वैसे वैसे जेठ जी सबसे कहने लगे, कल तो भाई तारा बहू की दाहिनी कलपट्टी जल गई चूल्हे में। सब जान गए कि मुझे झोंका आने के कारण ऐसा हुआ है। सभी का यह कहना था कि ऐसे कुंभकर्ण जैसी सोने वाली के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। तो कोई मजाक करते हुए मेरे पति से कहते, भाई जवानी क्या भाग जाने वाली है जो रात रात भर जागते हो। इतनी क्या बातें होती हैं जो रात रात भर जागते हो, इतनी क्या बातें होती हैं, शादी को तो बहुत दिन हो गए अभी तक बातें खत्म नहीं हुई, वगैरह वगैरह। यहाँ तो ठीक है, पर हर एक की जुबान पर एक ही बात रह रहकर आती रही कि यह घर के पूर्वजों का पुण्य है कि घर की बहू बच गई, ये घर तो पुण्य का स्तंभ है। मेरे मन में ये बात घूमती रहती कि मेरे बापू का पुण्य या मेरा अपना पुण्य कहीं कुछ होगा भी या नहीं। दूसरे दिन मेरे जेठ जी ने कुत्ते को एक मन आटे की रोटी, कबूतरों को एक गुण ज्वार, बकरी को 10 सेर दूध की खैरत बांटकर गांव भर में जय जयकार कराया। मेरे कान के जले हुए भाग पर जो फोल्ले पड़ गए थे, वह रात को पति की असावधानी के कारण फूट गए। दर्द से मेरा हाल बुरा था। सुबह दवा खाने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी नहीं मिली, फेरे में गई थी। तीसरे दिन मैं दवा खाने गई, तब डॉक्टर साहब ने बड़े ध्यान से मेरा निरीक्षण किया। डॉक्टर के व्यवहार से मैं धन्य हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ध्यान देने लायक नाजुक
स्पर्श की हकदार कोमल शब्दों से पूछने बात करने योग्य हों। मुझे देखकर किसी की आंखों में स्नेह के भाव उभर कर आ सकते हैं, ये मैंने पहली बार जाना और इसी दिन जाना। मेरे कनपट्टी के घाव को देखकर ऐसी बेवकूफ़ी और बड़े के पुण्य से बची, ऐसा कहने वाले ये इंसान थे। कोई फिक्र की बात नहीं बहन, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, मिट जाएगा। पर क्या हुआ था? पर तुम तो बड़ी सचेत रही, सावधान रही कि सुध बुध खोए बगैर एकदम से खड़ी हो गई और घबराए बगैर बालों को मसल डाला। शाबाश, वाह, मैं अब तुम्हारे जख्म पर दवा लगाता हूँ। तुम कितना सहनशील हो, दर्द के मारे सिस्कार भी नहीं भर रही हो। दूसरा कोई होता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, जले का दर्द ऐसा ही होता है। इस तरह से मुझे बातों में लगाए रखकर मेरी जली हुई तमाम चमड़ियों को चिमटे से उखाड़ कर कैंची से काट दिया, फिर मलम लगा दिया। मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर डॉक्टर के स्नेह सिक्त शब्दों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। बस बहना, अब तुम जा सकती हो, कल फिर आना। फिर भी मैं खड़ी रही। और कुछ कहना है क्या? मैंने चोर नज़रों से चारों ओर देखा। हमारी गाड़ी का सही दूर रास्ते पर खड़ा था, उसकी नज़रों से भी मैं डर रही थी। आओ इधर आओ, कहकर डॉक्टर साहब मुझे बरामदे में ले गए। अब कहो, मैंने कहा, मेरे शरीर के जोर दर्द से टूटते रहते हैं, इतना तेल मलती हूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पियर यहाँ पर है या ससुराल? किस घर की हो? मैंने अपना परिचय दिया और डॉक्टर बोले उठे, कौन? अरे तू तारा है? अरे तारा, तुझे ये क्या हो गया, पहचान में ही नहीं आ रही है तू तो। तुझे मैंने 5 वर्ष पहले देखा था, फिर तो तेरा बापा मुझे बाहर निकलने ही नहीं देता था। तू तो एकदम से, मैंने यंत्रवत फिर उसके उनसे कहा, मेरे जोड़ बहुत दर्द करते हैं, खूब तेल मलती हूँ फिर भी। गहरी सांस भरते हुए डॉक्टर साहब बोले, तेल मरने से भी जोड़ों का दर्द नहीं मिटने वाला, ये संधिवात नहीं है, तेरा वर। कुछ कहते कहते रुक गए। कहाँ है तेरा वर? एक बार उसको साथ में लेकर आना दोपहर को। इतने में सही जाकर खड़ा हो गया। अब तो चलिए, देर हो रही है, मुझे गाड़ी को दूसरे फेरे के लिए लेकर जाना है। दल्ला सेठ के घर बारात में बड़े भैया नाराज हो जाएंगे। लौटते हुए मैंने अपने पीछे गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनी। डॉक्टर साहब की ये गहरी सांसें कंपाउंडर के मरीजों को पुकारने वालों की बुलंद आवाज़ में खो गई। गाड़ी में चढ़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, अभी तक डॉक्टर साहब बरामदे पर खड़े थे। मरीज उनको ऐसे ताक रहे थे जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। गाड़ी में बैठकर एकदम से ठीक उसी जगह से गुजरी जहाँ से मैं नन्नी तारा ने इस घोड़े को 4 बहुओं के सद्भाग्य को देखा और चाहा था। आज एक बार फिर से मेरी आत्मा मेरे देह से छलांग मारकर उस चबूतरे पर बैठ गया। घाघरा चोली वाली तारा, छोटी तारा बड़ी तारा से पूछने लगी, बड़ी तारा तेरे कोहनी तक के गहने क्यों ढीले पड़ रहे हैं? तेरे हाथ पर बैठी रहने वाली चूड़ियाँ कहाँ उतर गई हैं? तेरे बाजूबंद को धागे से बांधकर क्यों छोटा कर देना पड़ा? तारा दी घूंघट खोल। मैं छोटी तारा चीखती ही रही और तारा दी को लेकर गाड़ी वाला कोई चोर के जैसे भागने लगा। घोड़े की पीठ पर चाबुल का हर एक प्रहार मुझे मेरे पीठ पर पड़ता हुआ लग रहा था। डॉक्टर को तो और कुछ काम होते ही नहीं, मेरे पति ने उस दिन की बात को सुनकर कहा। हर किसी का इलाज करके प्रैक्टिस चलाना है, बड़े घर की औरतों को इंजेक्शन लगाना है, हमें ऐसे में जाल में नहीं फंसना है। मेरे साथ वो आए ही नहीं। दूसरी बार जब मैं डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर साहब ने मेरे पति का अनइच्छा को भांप लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी, हो सके तो बस इतना कहना, प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की आँखों को
तुम्हारे कोई समझदार वैद्य या डॉक्टर से धुलवा कर अंदर दवा डलवा देना। गफलत मत करना, नहीं तो बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा बहन। इन सभी का अर्थ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, न जानी थी। मुझे संदेह होने लगा कि शायद डॉक्टर को विजिट चाहिए थी, पर मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। उस दिन रात के 2 बजे ससुर प्रताप नारायण सेठ की आलीशान हवेली के कोने में अंधेरे में मैं बेहोश की हालत में पड़ी थी। मेरी आंखें फट रही थी, एक साथ जैसे 100 काले नाग मेरे शरीर को जकड़ रहे थे। मेरे पेट में से गिद्ध मांस के तो लोथड़े को जैसे नोच नोच कर खा रही थी। मैं चीख रही थी, मेरे डॉक्टर को कोई बुला दो, कोई मेरे डॉक्टर से कहो कि तारा मर रही है, चुपचाप पड़ी रह, कहकर दाई माँ खटिया पर बैठी थी। मेरे पति बरामदे में खड़े थे, मेरी चीखें उन्हें बेचैन कर रही थी। अपनी बातों में मिठास भरकर उन्होंने कहा, जीवी माँ, डॉक्टर की ज़रूरत है? अरे बेटा, यह तो पहली जच की है, इसमें तो ऐसा होता ही है, आप नाहक परेशान हो रहे हैं। 12 घंटे में बेहोश रही, कहते हैं कि मेरे मुंह से बार बार झाग निकल रहा था। अंततः थक कर मेरे पति ने डॉक्टर काका को तो नहीं, पर एक नीम हकीम ज्ञान वाले एक वैद्य को लेकर आए। उनकी फीस कम थी। जब मैं पहली बार होश में आई, तब मेरे कानों में मेरी बेटी की तेज चीखें गर्म शीशे की तरह पड़ने लगी। मैंने कहने की बहुत कोशिश की कि डॉक्टर काका ने कहा है कि इसकी आँखों को जांच कर धुलवाओ, पर कोई आवाज़ ही नहीं निकली। 4 घंटे लगातार चीखने के बाद बच्चे की थकावट से भरा स्वर रुक रुक कर आने लगी। उसे मेरे पास पिलाने के लिए ले आए। ओ मेरी बेटी, मेरी पहली संतान, मेरा फूल, मेरी आंखें सूज गई थी, उस पर मांस के लोथड़े बन गए थे। आंखें रह ही कहाँ गई थी, मांस के लोथड़े की गहराई से आंसू झर रहे थे। डॉक्टर काका को बुलाओ, इसकी आंखें चली जाएंगी, कोई मेरी सुनो ना, मैं चीख उठी। मेरे पति ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा। डॉक्टर काका आए, पहले तो उन्होंने बच्चे की आंखों को धोया, दवाई डाला, रुई पट्टी बांधी, फिर उन्होंने मेरे पति को दूसरे कमरे में ले जाकर क्या कहा, अरे रे, मेरे कानों को ईश्वर ने किस लिए इतना तेज बनाया। नवनीत राय, काका ने कहा, ये दोनों आपके लगाए रोग के रोगी हैं। बेटी की आंखें चली गई हैं, फिर से कोई प्रसव न हो इसका ध्यान रखना, नहीं तो आप विशेष हत्या के भागीदार बनेंगे, तारा अपंग बन जाएगी, पागल हो जाएगी। ये रोग आप कहाँ से लेकर आए हैं, मुझे मालूम है। मेरे पति जड़ हो गए। आप यहाँ कुछ देर इंतज़ार कीजिए, कहकर ऊपरी मंजिल पर चले गए। वहाँ से आकर न जाने क्या डॉक्टर को पकड़ाने लगे, कृपा करके बात को यहीं दफना दीजिए डॉक्टर, मेहरबानी कीजिए। डॉक्टर चाचा की आवाज़ आई, 1000 दोगे फिर भी नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज है, तारा मेरी बेटी है, पर दफनाने वाली बात तो मेरे हाथ में है। अगर दूसरी बार तारा की ऐसी हालत करोगे तो मैं चीख चीख कर गलियों में कहता फिरूंगा। डॉक्टर चाचा चले गए। उनकी दवाई से मेरी नन्ही सूरज की पीड़ा कम हुई, पर उसकी आंखें तो चली गई, वो तो फिर नहीं आने वाली। ये मेरी सूरज सो रही है, मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर कर वह देख रही है, जैसे उसकी उंगलियों के पोर पोर पर नेत्र उगाए हों। उस कोमल उंगलियों के स्पर्श से मुझसे गुप्त भाषा में बात कर रही है। आंख बिना की मेरी सूरज अपनी उंगलियों के स्पर्श से मेरे गालों पर, स्तन और पेट पर जो संगीत बजा रही है, उसकी बराबरी किसी गवैये की रागिनी, किसी दिलरुबा का सुर, किसी श्री कृष्ण की बांसुरी से आ सकता है क्या। जब वो मेरा दूध पीती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंतर को वह तृप्त कर रही है। लोग चर्चा करते हैं कि बहन, ये ससुराल बहुत पुण्य वाला है, माँ बेटी दोनों बच गई,
इन दोनों ने तो भरपूर पाप किए, पूर्वजों के पुण्य से बच गए। दूसरे ने कहा, देखो ना, सेठ ने तुरंत कसम खाई है कि जब तक बहू का प्रसव कर्म पूरा नहीं होगा तब तक चाय नहीं पीऊंगा। जेठानी ने कुलदेवी से मन्नत मांगी है कि जब तक बच्ची को तुम्हारे चरणों का स्पर्श नहीं कराऊंगी तब तक उड़द नहीं खाऊंगी। बड़े बूढ़ों के पुण्य के कारण इन सब से उबर आए। आप भाग्यशाली हो बहू, ऐसा ससुराल मिला है। मैं स्तब्ध होकर उनकी बातों को सुन रही थी। आज सुबह ही भोजन करते समय जेठ जी ने मेरे पति को खुशखबर सुनाई कि विट्ठल गाड़ी वाले के माथे 100 रुपये में घोड़े को मढ़ रहा हूँ। घोड़े में जो कमी है वह उसे समझ में नहीं आया। अच्छा किया बड़े भैया, खुश होकर मेरे पति ने कहा, स्टेशन का फेरा लेने लायक हो जाए ये हरामी। इन दिनों बहुत हट्टी बन गया था, अब सीधा हो जाएगा। विट्ठल आए तो घोड़ा दे देना, पर उसकी लगाम मत देना। उससे बात कर ली है, लगाम वह अपनी ही लाएगा। गाड़ी वाला विट्ठल दोपहर को घोड़ा लेकर चला गया। जेठानी ने कहा, अच्छा हुआ चला गया, अब शकुनिया था, बच्ची अंधी हो गई, व्यापार में घाटा हुआ, घर में बीमार ही बीमार। जब से इस घोड़े के पांव घर में पड़े हैं तब से घर में शांति ही नहीं है। मैं ऊपर की मंजिल पर चली गई, अंधी सूरज को गोद में उठाकर खिड़की पर खड़ी रही। जब तक घोड़ा दिखता रहा तब तक देखती रही। मेरी आंखें छलछल आई, सोचने लगी, घोड़े के जैसे इंसान क्यों नहीं निकल कर बाहर करते ये लोग। घोड़ा तो नसीबदार है, पर ऐसा नसीब इंसान का क्यों नहीं होता। उसी समय अखबार वाला रसिकलाल लंबे लंबे डग भरता हुआ चला आ रहा था। क्षण भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भी घर से निकालकर बाहर किया गया है और मुझे ले जाने के लिए रसिक आया हुआ है। हाय, अखबार डालकर वो तो चला गया। मेरी आंखें उसके पांव की पत्थर जैसी पिंडलियों से चिपकी लटकती लटकती न जाने कहां तक चली गई। यह थी झवेरचंद मेघानी, गुजराती के प्रसिद्ध लेखक की कहानी, जिसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर रानू मुखर्जी ने किया है। प्रसिद्ध लेखक झवेरचंद मेहता की कहानी बहू और घोड़ा एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।